देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सोन नदी के बालू के खनन पर, और हम बात कर रहे हैं पटना जिला, अरवल जिला, भोजपुर जिला, रोहतास जिला और औरंगाबाद जिला के तमाम सोन घाटों का, जहां पे केवल सच पत्रिका ने अपने पत्रकारों के साथ हर घाट पे घूम घूम कर एक खबर बनाई थी कि किस तरीके से बालू के माफिया अवैध बालू का उत्खनन कर रहे हैं, बालू का स्टॉक जमा कर रहे हैं। और इसी पे एक खबर लिखा गया था कि बिहार के सोन को बचा लीजिए मुख्यमंत्री जी, और शायद मुख्यमंत्री ने देर से ही सही लेकिन इस आवाज को सुना है और सोन को बचाने के लिए बिहार के सबसे चर्चित बालू के लिए जाना पहचाना वाला जिला भोजपुर में राजकुमार नाम के डीएम को पदस्थापित किया। यह वही राजकुमार हैं जो अभी समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर काम कर रहे थे, और शिवहर जिला में इनके डीएम के कार्यकाल की चर्चा डंके की चोट पे होती है। जिलाधिकारी बनने के पहले ही राजकुमार ने यह स्पष्ट शब्दों में हिदायत दे दिया था कि जिस दिन भोजपुर जिला का मैं कमान संभाल लूंगा, एक भी बालू माफिया बचेगा नहीं। और उसी के लिए राजकुमार ने पद ग्रहण करने के बाद पूरे अपने क्षेत्र के भोजपुर क्षेत्र में जिला में सभी सोन के घाटों का निरीक्षण किया और सभी जगहों पे पहले अपनी पहली दृष्टि डाली कि कहां किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है और कहां किस प्रकार के लगाम लगाने से बिहार सरकार के राजस्व की क्षति को बचाया जा सकता है और बालू माफियाओं के गलत मंसूबे पर पानी फेरा जा सकता है। और राजकुमार ने अपने अथक परिश्रम से सोन को बचाने के लिए, सोन आज के तारीख में बिहार के लिए हीरे के खान की तरह है, सोने की खान की तरह है, क्योंकि सोन बालू पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बिंदु है, बल्कि कई राजनीतिक गलियारों का घर द्वार इसी से चलता है, कई लोगों का राजस्व करोड़ों करोड़ में रहता है। वैसे लोगों पे राजकुमार ने अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से यह साबित कर दिया है। वो ये था कि अन्य जिलों के नाव बहुत बड़ी संख्या में, नाव हजारों की संख्या में नाव प्रतिदिन हमारे सोन नदी से होते हुए सहार चांदी इमादपुर के इलाके में जाते थे और वहाँ से अवैध उत्खनन करके यहाँ से रात में एक साथ वो लोग झुंड बना के निकलते थे और उनके पास अवैध हथियार भी होते थे, उसको कर्म करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उसको देखते हुए ये हम लोग का कंसेप्ट आया कि इसको हम लोग इस प्रकार का कार्य करें कि नाव किसी भी हाल में इस पार से उस पार ना जा पाए। उसके लिए हम लोगों ने अपने सभी बंदोबस्तधारियों को बुलाया, उनसे बातें की और उनके सहयोग और माइनिंग डिपार्टमेंट के मेहनत के कारण से आज आप देख रहे हैं पूरे सोन नदी में हम लोगों ने पाइलिंग का कार्य किया है। इससे जो नाव है वो किसी भी परिस्थिति में इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी, और जो रेस्ट इलाका यानी है कोइलवर से लेकर बिंदगावा तक, उसके लिए हम लोगों ने उसके निगरानी के लिए 4 FRP बोट खरीदने जा रहे हैं, जिससे हम लोग कंटिन्यूस निगरानी करेंगे और पुलिस और हमारे जो माइनिंग डिपार्टमेंट अधिकारी हैं उसमें लगातार गश्त करते रहेंगे ताकि कोई भी अवैध नाव इस गतिविधि में न शामिल हो सके, अवैध उत्खनन न हो सके। इसके अलावा हम लोग इस नए वाले पुल पे फ्लड लाइट भी लगा रहे हैं ताकि दूर से ही हम लोग किसी गतिविधि को भाप सके, और उसमें CCTV कैमरा भी लगाया जा रहा है। इस बार किसी भी परिस्थिति में नाव से अवैध परिवहन न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी मेहमत टास्क था जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस ने पूरा किया। इस हिस्से में कैसे रोक पाएंगे? नहीं, इस हिस्से में हमारा गश्त के, मैंने बताया कि 4 हमारे पास FRP बोट है, 2 हमारे उस तरफ चलेंगे दोनों तरफ और 2 नाव इस तरफ चलेंगे। किसी भी परिस्थिति में इस बार अवैध उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नावें दूसरे जिला से आती थी और वो आके इमादपुर की तरफ उत्तर प्रदेश से भी आती थी, उसको हम लोगों ने कर्म करने के लिए प्रयास किया है और उम्मीद है कि हम लोग इस बार इसमें सफल होंगे। कितना बड़ा सर ये चोट होगा इस तरीके के पहल? ये लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपया का अनुमान किया जाता है कि ये 4 महीने में लोग बालू लेके भाग जाते थे, उसको हम लोग रोकने का प्रयास किए। सरकार का राजस्व बढ़ेगा और जो हमारे बालू बंदोबस्तधारी हैं वो, उनका बालू यदि चोरी नहीं होगा तो उसका हमको राजस्व अधिक आएगा, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। थैंक यू। कि अगर ईमानदारी से अगर जिलाधिकारी काम करे तो ये बालू माफिया धूल चाटते दिखेंगे, और हो भी यही रहा है। बिहार के भोजपुर जिला में राजकुमार ने सैकड़ों पोकलेन को
को धर दबोचा है उन माफियाओं का जो अवैध बालू उत्खनन में अहम भूमिका निभा रहे थे। सोन को बचाने के लिए, सोन के बालू को बचाने के लिए राजकुमार ने सोन नदी के इस पार से उस पार बड़ी बड़ी पाइप सोन नदी के पुल के नीचे लगा दिया है। राजकुमार ने न सिर्फ पाइप बिछाकर बालू को इस पार से उस पार ले जाने से रोका है, बल्कि उसकी निगरानी करने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और मोटर बोट से निगरानी करा रहे हैं, ताकि बालू चोर, बालू माफिया किसी भी सूरत में एक ठटाक बालू भी चोरी ना कर सके। और बिहार के सोने के खान को बचाने के लिए राजकुमार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और उनके साथ संजय सिंह जो पुलिस अधीक्षक है भोजपुर के, वह भी सक्रिय भूमिका में दिखते हैं। लेकिन राजकुमार एक डीएम होकर जिस तरीके से कई पहल की है, इसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। और ऐसे ही ईमानदार पदाधिकारी अगर जिला में काम करने लगे तो निश्चित तौर पर बिहार का सोने का यह भंडार सोन नदी को बचाया जा सकता है। और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि देर से ही सही लेकिन केवल सच की गुहार को आपने सुना और सोन को बचाने के लिए आपने एक अच्छी पहल की और एक योग्य डीएम को भोजपुर जिला में पदस्थापित किया। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं विजय सिंह।